एक मज़ेदार जूसी स्पाइसी रेसिपी को लेकर के फिर से आए हैं, जो कि है चिकन फ्राई मसाला। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल रेसिपी है। तो दोस्तों, विनोद किचन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बिना देरी किए चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए दोस्तों हमने लिया 600 ग्राम फ्रेश चिकन। इसको अच्छे से धो के ले लें। इसको मैरिनेशन के लिए हमने इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे चिकन धोने के बाद इसमें ज़्यादा पानी ना रहे, पानी अच्छे से निकाल लें। इसको बहुत अच्छे से मैरिनेशन के लिए रख देंगे कम से कम आधे घंटे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे। ग्रेवी के लिए हमने 3 प्याज को फाइनली चॉप किया है, इसी तरह से आप भी काट लें। बाकी हमने लिया है 1 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, 2-3 हरी मिर्च को बारीक काट लें और आधा इंच अदरक को भी स्लाइस में काटें। फ्रेशनेस के लिए हरा धनिया ले लें खूब सारा। स्पेशल मसाले के लिए धनिया, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, सौंफ और काली मिर्च को भून करके मिक्सी में बहुत बारीक तरीके से पीस लें। ये पूरा नहीं डालना है, 2 चम्मच आपको लगेगा, बाकी आप रख लें। देखिए हमने 2 चम्मच अलग ले लिया है, इसी तरह से आपने भी पीस लेना है। देखिए हमारा चिकन मैरिनेट हो चुका है। अब ले लेंगे हम एक कढ़ाई को गर्म करने के लिए रखेंगे। 2 बड़े चम्मच तेल के ले लेंगे, जो तेल आप यूज करते हैं उसको ले लें। तेल गर्म होने के बाद दोस्तों इसमें 2 छोटे टुकड़े तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी, 2 हरी इलायची, 2 लौंग, 5-6 दाने काली मिर्च के ले लें। यह चटकने के बाद हम इसमें अदरक और हरी मिर्च को फ्राई करेंगे। दोस्तों बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखें, नहीं तो आपको रेसिपी समझ में नहीं आएगी। इसको हल्का सा फ्राई करने के बाद हम इसमें अब प्याज डाल देंगे। प्याज को दोस्तों हमने फुल फ्लेम में कम से कम 2 मिनट तक फ्राई करना है, तब तक कि ये थोड़ा इसका कच्चा टेस्ट ख़त्म ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। हमने बिल्कुल गोल्डन ब्राउन तरीके से फ्राई नहीं करना है, हमने लगभग 60-70% ही फ्राई करना है। इसको अच्छे से स्टर करते रहें, नहीं तो ये साइड से जलने लग जाता है, तो इसको कंटिन्यूली स्टर करते रहें। तो देखिए अभी सॉफ्ट होने लगा है। तो दोस्तों अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट जो हमने लिया है। इसको हमने 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई करना है, तब तक कि इसका कच्चा टेस्ट जो होता है वो ख़त्म ना हो जाए। आपने इसको कंटिन्यू पलटा चलाते रहना है, नहीं तो ये एक साइड से जलेगा, अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएगा, इसलिए आपने इसको रेगुलर स्टर करते रहना है। अब हम इसमें डाल देंगे 8-10 पत्ते करी लीफ, कड़ी पत्ता, इसको डाल करके हम इसी के साथ फ्राई कर लेंगे। इसको ये चिकन में ज़रूर डालें, इसका असली फ्लेवर करी लीफ्स का भी आता है इसमें। ध्यान रहे ज़्यादा नहीं डालना है, 6-7 पत्ते ही डालें और इसको तोड़ के ना डालें। अब दोस्तों हम इसमें ऐड कर रहे हैं मैरिनेट किया हुआ चिकन। चिकन हमारा बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया है। चिकन को मैरिनेट करने के लिए कम से कम आपने 30 मिनट रखना होता है, नहीं तो ये अच्छे से मसाले मिक्स नहीं होते हैं। आपने इसको कंटिन्यू 2 से 3 मिनट इसमें स्टर करना है और डाल देंगे मसाले। धनिया पाउडर 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, हल्दी पाउडर आधा चम्मच और साथ में दोस्तों जो हमने मसाला लिया है स्पेशल घर पे बना हुआ मसाला, उसको ले लेंगे हम 1 बड़ा चम्मच। अभी 1 चम्मच हम बाद में डालेंगे, एंड में 1 चम्मच अभी ले लेंगे। ये जो तुरंत आप घर पे मसाला रेडी करते हैं इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। 1 मिनट तक हम स्टर करेंगे इसको, जिससे कि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए चिकन के साथ। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखा है अभी। दोस्तों गैस का फ्लेम कम करें और 5 मिनट तक इसको ढक कर के छोड़ दें। हमने इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिलाना है, बिल्कुल कम गैस में। देखिए चिकन ने पानी छोड़ दिया है, मॉइस्चर आ गया है। हमारा चिकन इसी मॉइस्चर में पूरा पकाना है, इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ध्यान रहे 5 मिनट बिल्कुल ढक के नहीं छोड़ना है, आपने बीच बीच में इसको चेक करते रहना है, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे। अच्छे से स्टर करें।
दोस्तों अब फिर से हम इसको 5 मिनट के लिए ढक देंगे जब तक कि चिकन पक नहीं जाता। ध्यान रहे ढकते समय आपने गैस का फ्लेम बिल्कुल लो रखना है, नहीं तो जल जाएंगे। और इसको पानी नहीं डाला है तो मॉइस्चर में ही पकेगा। तो देखिए हमने 5 मिनट बाद फिर से देखा है, इसको बहुत अच्छे से मसाले पक चुके हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच स्पेशल मसाला ऐड करेंगे जो हमने बचा के रखा था। और साथ ही दोस्तों हम इसमें खूब सारा हरा धनिया डालेंगे क्योंकि हमारी चिकन की रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। ये रेसिपी बनाने में हमें चिकन बनाने में हमें 20 मिनट लगे हैं टोटल, और मैरिनेट के लिए हमने आधा घंटा रखा है। आप भी इसी तरह से ले लें। अब हम गैस का फ्लेम बंद करके 2 मिनट के लिए इसको ढक करके रख देंगे जिससे कि इसमें जो लास्ट में मसाला डाला है उसका टेस्ट इसमें बना रहेगा। रेसिपी अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह की रेसिपी हमारे चैनल पर आती रहती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में।